नींबू का अचार काफ़ी हेल्दी होता है और साथ ही साथ बहुत टेस्टी भी होता है। इसे आप रोटी, पराठे या पूड़ी के साथ खा सकते हैं और खिचड़ी के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा एंड वेलकम टू इंडियंस किचन। तो आइए देखते हैं इस खट्टे मीठे नींबू के अचार को कैसे बनाया जाता है। नींबू का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 नींबू लिए हैं और ये पतले छिलके वाले नींबू हैं। और आप कोशिश कीजिए कि नींबू पर कोई दाग ना हो, वही नींबू आप लें। और जिस नींबू पर थोड़ा बहुत दाग है, ये देखिए इस तरह से, तो इन नींबू को हम इसमें नहीं डालेंगे, इसका रस हम इस अचार में डालेंगे। नींबू को सबसे पहले अच्छे से धोकर और पोंछ लें। इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना अचार ख़राब हो सकता है। नींबू को हम इस तरह से काट लेंगे, जो इसकी ये साइड है यहाँ से नहीं काटेंगे, इसको इधर से काटेंगे और इसे इस तरह से बीच में से काटते हुए इसको हम 4 या 2 टुकड़ों में, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से छोटे या बड़े टुकड़ों में काट लें। और देखिए, इन नींबू में बिल्कुल भी बीज भी नहीं है, तो अगर आपके नींबू में बीज हैं तो आप उसे निकाल सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दें। मैंने यहाँ नींबू को इस तरह से 4 टुकड़ों में काट लिया है। जिन नींबू पर थोड़ा बहुत दाग है उनका हम इस तरह से रस निकाल देंगे, तो हमें ज़्यादा दाग वाले नींबू इसमें नहीं डालने, इस तरह से उसका रस निकाल दें और इसमें बिल्कुल भी पानी का हाथ ना लगे, इस बात का ध्यान रखें। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे, तो मैं यहाँ 1 टीस्पून नमक का यूज़ कर रही हूँ। आप नमक कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। इन्हें इस तरह से चम्मच से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे से नींबू इसमें नमक में मिल जाए। अब हम इसे एक कॉटन के कपड़े से ढककर रख देंगे 4 दिन के लिए। और आप कॉटन के कपड़े से ही इसे ढकें, क्योंकि इसमें गैस बनती है, और प्लेट वगैरह से ना ढकें इसे। नींबू को हमें रोज़ 1-2 बार अच्छे से चम्मच से चला लेना है ताकि नींबू में नमक अच्छे से मिल जाए। हमें नींबू को रखे 4 दिन हो गए हैं और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं फोक से इस तरह से दबा के दिखाती हूँ आपको। इसका छिलका अच्छे से गल चुका है। अगर नींबू का छिलका मोटा होगा तो गलने में समय लगेगा। अब मैंने यहाँ पर एक स्टील का पतीला लिया है, और आप स्टील का पतीला ही लें, एल्युमिनियम, पीतल या लोहे का, इस तरह के पतीले का यूज़ ना करें इसमें। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और 1 छोटी कटोरी चीनी डाली है। चीनी को अच्छे से पानी में घुलने तक पकाएंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे इसमें जितने नींबू होते हैं उतनी ही चीनी का यूज़ होता है। तो इसे देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें अच्छा उबाल आ गया है। इसमें 1 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आप इसकी जगह काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ी सी यहाँ मैंने अजवाइन ली है 1/2 टीस्पून, और इसे मैं क्रश करके इसमें डाल दूँगी। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें कटे हुए नींबू डाल देंगे, और नींबू डालने के बाद हमें इसमें एक उबाल आने तक इसे कुक करना है। तो ये देखिए, हल्का हल्का इसमें उबाल आने लगा है। तो इसमें एक अच्छा उबाल जब तक ना आ जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए, इसमें अच्छा उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए, अचार ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे दूसरे बाउल में निकाल लिया है। और इसकी चाशनी अभी आपको थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे आप इसे रखेंगे 1 महीने तक, तो इसकी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। और अब आप इसे किसी साफ कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें, और इसमें गीला चम्मच बिल्कुल यूज़ ना करें। सूखे हाथों से या सूखे चम्मच से आप इसको निकालें तो ये आपका अचार 2 से 3 साल तक भी ख़राब नहीं होने वाला है।
मैंने इसे कंटेनर में डाल के रख दिया है और अब आप 2 से 3 दिन बाद इसे खा सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा और नींबू का खट्टा मीठा अचार बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।